इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। दोस्तों, जब भी कोई युवा कौशल प्रशिक्षण हासिल कर लेता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अपने आप को खास समझने लगता है। और स्किल इंडिया मिशन का यह प्रयास रहता है कि युवा अपने हुनर की शक्ति को पहचाने और जीवन में आगे बढ़े। कौशल और विकास से आने वाले फर्क को दिखाने का प्रयास करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए। तो शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले आज के हाइलाइट्स। पुणे में होने वाली एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग से पहले देश भर में जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन। स्किल इंडिया मिशन दे रहा है युवाओं को जन भागीदारी में शिरकत होने का मौका। युवा उठा रहे हैं लाभ। आईटीआई से ट्रेनिंग लेकर बन सकते हैं एंटरप्रेन्योर। युवाओं के लिए हैं कई मौके। आईटीआई से ट्रेनिंग लेकर गणेश ने शुरू किया बिजनेस, आज कमा रहा है लाखों। कला के जरिए कहने के हुनर ने बनाया मोनिका चांदना को आर्टिस्ट, अब देश विदेश तक है पहचान। दोस्तों, एक बात मैंने बचपन में सुनी थी और आप लोगों ने भी सुनी होगी कि हुनरमंद इंसान कभी बेकार नहीं रहता। वो जहां भी जाता है अपने हुनर के बल पे काम ढूंढ ही लेता है। और ये बात सही भी है, अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको काम मिलने में परेशानी कभी नहीं होगी। और अगर आपने अपने हुनर में महारत हासिल कर ली है तो काम खुद ब खुद आपके पास आएगी। हुनर के इसी महत्व को दिखाने का प्रयास कर रहा है स्किल इंडिया मिशन। G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत सरकार ने जन भागीदारी को खास तवज्जो दी है। देश के नागरिकों को जागरूक करने, G20 की अहमियत बताने और गर्व की भावना पैदा करने के लिए जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पुणे में होने जा रही एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग से पहले देश भर में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा जन भागीदारी के लिए कई तरह की गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो मुझे G20 के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद PMKYC में तो मुझे लगा कि ये जो G20 है इससे काफ़ी अवसर आएंगे जॉब्स के और ये हमारे जन कल्याण के लिए काफ़ी हितकारी होगा, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जन भागीदारी के जरिए G20 से जुड़ने का हमें मौका मिला है, इससे मैं सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जन भागीदारी पहल के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित ITI, जन शिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र और पॉलिटेक्निक में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रेसिडेंसी में इंडिया का मेन फोकस है, क्योंकि अमृत महोत्सव भी है, तो हम यही कंसेप्ट लेके चले हैं कि वन नेशन वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वासुदेव कुटुंबकम का जो कंसेप्ट है वो इंडिया का मेन थीम रहा है और इसमें हमारी सरकार का ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि इसमें जन भागीदारी इन्वॉल्व की जाए, जिसमें हर दिन के लिए एक इवेंट डिसाइड कर दिया जाता है कि जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट करेगा। जैसे ट्री प्लांटेशन की कितनी इम्पोर्टेंस एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए हर कोई जानता है, लेकिन जब हर कोई ट्री प्लांटेशन करेगा तो एक तरह से उसकी एक हैबिट डेवलप होगी, ना उसके लिए बल्कि और लोग भी उसे फॉलो करेंगे। G20 जन भागीदारी पर आधारित प्रभात फेरी, स्किल हैकाथन, रैली, स्किल मास्टर क्लासेस, करियर काउंसलिंग, एक्सपर्ट लेक्चर, इंडस्ट्री विजिट, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, स्किल ओलंपियाड, योगा प्रतियोगिता, वर्कशॉप आदि कराए जा रहे हैं। जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत ओखला स्थित प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में योग प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण हासिल करने वाले विद्यार्थियों ने योग कौशल का प्रदर्शन किया। इस तरह के कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों को नई ऊर्जा दे रहे हैं। आज हमने जन भागीदारी में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें सर ने हमें बताया था कि G20 क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज में इन्वॉल्व है, क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं हमारे, और यहाँ पे हमें योगा के बारे में भी बताया गया था। योगा हमें करने से हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स फील होती है, हमारा जो माइंडसेट का फोकस है वो एक जगह रहता है,
और हमें बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट में मिलती हैं। सरकार ने हमें जो इतने बड़े इवेंट में जुड़ने का मौका दिया है, मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। योग से निरोग बनने के संकल्प के साथ जन भागीदारी से कैसे योग को बढ़ाना है, इसकी शिक्षा भी दी गई। जन भागीदारी के जरिए G20 से जुड़ने का मौका मिला है, जिसमें हमने ये जाना कि आगे फ्यूचर में हमारा कैसे विकास हो सकता है। इसमें हमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें हमें योगा सीखने का मौका मिला। हमें ये बताया जा रहा है कि G20 हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है और आगे हमारे से कितना विकास हो सकता है। 1 जून से शुरू हुए इस जन भागीदारी कार्यक्रम में युवा उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। युवाओं को G20 जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत एक नया मंच मिल रहा है, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों से रूबरू होने के साथ ही कौशल की नई नई बातें सीख रहे हैं। जो G20 समिट हो रही है, उसके तहत ITI पूसा में G20 वाले कई सारे जन भागीदारी इवेंट कराते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे छात्र स्टूडेंट हैं उन सभी को बहुत सारे मौके मिलते हैं जो इवेंट कराए जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली पोस्टर मेकिंग हुआ था, रंगोली कंपटीशन आज है जैसे कि, और हमने कई सारे स्पीच कंपटीशन होते हैं जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट करा। उससे हुआ क्या कि जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, मेरा बोलने का तरीका सुधरा, मेरे को एक स्टेज मिला जहां हम बच्चों से बात कर सकते हैं, टीचर होते हैं और अगर आपने उसमें अच्छा बोला तो आपको सर्टिफिकेट देंगे, मेडल देंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। जैसे एक बच्चे का होता क्या है, बच्चा बोलना सीखता है, अगर जैसे बिग स्टेज पर जाएगा इन फ्यूचर तो वहाँ 500 बंदे बैठे होंगे, तो उसकी वजह से वो बंदा अगर यहाँ कर चुका ITI उस समय जब वो बाहर जाके इंटरव्यू देगा या कहीं बोलेगा तो उसके लिए इतना आसान हो जाएगा जैसे कि वो डेली करता है। युवाओं को न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। वर्कशॉप में सीख रहे हैं तो प्रतियोगिता में अपने कौशल का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। G20 समिट में जन भागीदारी के अंतर्गत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलाया, जो कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में अभी रन हो रहा है। इस कार्यक्रम में डिफरेंट डेज में, डिफरेंट वीक्स में डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, जिसमें सही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अपने पर्सनल ग्रूमिंग को और स्पीच को देते हैं। पिछले हफ्ते रिसेंटली हमारे कॉलेज में ITI पूसा में लीगल लिटरेसी टॉपिक पर क्लासेस हुई थी और उसमें मैडम ने हमें बताया कि लीगल लिटरेसी क्या होती है, किस तरीके से हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर सकते हैं और अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। जन भागीदारी का ये अभियान युवाओं को नए मौके भी दे रहा है। इसी अभियान के तहत पूसा स्थित ITI में अप्रेंटिसशिप अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप मेले का भी आयोजन हुआ, जिसमें कई कंपनियों ने हिस्सा लेकर युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध कराए। स्टूडेंट्स को भी और जो कंपनीज होती हैं उनको एक प्लेस पे उनकी दोनों की रिक्वायरमेंट जो होती है वो मीट हो जाती है। तो गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे मतलब जो जॉब्स वगैरह होते हैं जो आजकल मार्केट में, क्योंकि बहुत कंसल्टेंसीज वगैरह होती हैं तो उनको वो चीज़ में थोड़ा इश्यूज आते हैं, तो ऐसे इनिशिएटिव से स्टूडेंट्स को भी जो अभी जॉब सर्च कर रहे हैं उन्हें और जो कंपनीज होती हैं उन्हें एक ही प्लेस पे अच्छी चीज़ें पूरे रिक्वायरमेंट मिल जाती है। G20 के तहत आयोजित जन भागीदारी कार्यक्रम युवाओं को इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस और लाइफ लॉन्ग लर्निंग दे रहा है। अलग अलग प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं, जिससे उनके करियर में भी फायदा होगा। जन भागीदारी इवेंट ने युवाओं को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के साथ ही एक विजन दिया है। इसमें अलग अलग इवेंट जिसमें बच्चा अपना आर्किटेक्चरल स्किल या अपनी जो स्किल उसने एक्वायर की है वो शेयर कर सकता है, जैसे रंगोली है या कोई स्पोर्ट्स इवेंट भी वो उस पर शेयर कर सकता है। साथ ही साथ एक अच्छा स्पीकर स्पीच और कैसे जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम प्रैक्टिस अडॉप्ट करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो शेयर कर सकता है। और इस तरह के लगभग हर दिन एक इवेंट कोड दिया जाता है, जिसमें हर इंसान इवन हर इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करती है और एक तरह से मैसेज सोसाइटी में कन्वे कर किया जाता है कि सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए किसी एक का नहीं बल्कि सबका ही बराबर की भागीदारी है और ये इस स्कीम का मेन कंसेप्ट है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल से युवाओं के जीवन में कई बदलाव आ रहे हैं। युवाओं को फ्यूचर स्किल से रूबरू कराकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। हुनर के विकास से ऐसी ही सफलता की कहानियां दिखाने का प्रयास जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक। ITI में मिला रोजगार और स्वरोजगार का मंत्र
कामयाब हो गया मुंबई का गणेश। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था, वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ अभी। अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आ ना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS NAPS, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार, मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का NAPS प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर सवार लो, तुम्हारा कल अपने आप सवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@ssc.amh.com या देखें वेबसाइट www.ssc.amh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया, आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई तरह के कौशल प्रशिक्षण दिए जाते हैं, और खास बात यह है कि ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इस प्रशिक्षण की अहमियत बढ़ जाती है। आइए देखते हैं इससे युवाओं की जिंदगी में क्या फर्क आया। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को रोजगार लेने की जगह देने वाला भी बना रहा है। इस बात की मिसाल है मुंबई के कुर्ला इलाके के रहने वाले गणेश सुरेश बोवले का, जो छोटी सी उम्र में एंटरप्रेन्योर बनकर दूसरों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मेरा तो एक कंपनी को और आगे बढ़ाना है, ऐसा बहुत लोग को जॉब भी ऑफर करना है, क्योंकि मेरे ही कंपनी में या से पहले मैं भी किधर काम करता था, तो आज मेरे कंपनी में इतना, मैं खुद का कंपनी चला रहा हूँ, इतना स्टाफ है मेरे पास, 4 जन का स्टाफ है, और मेरे को आगे बढ़ना है और जन का स्टाफ बनेंगे, उनको भी थोड़ा नॉलेज मिले, उनको भी पैसा मिले, कमाने का चांस मिले, आगे बढ़ने का नॉलेज, यही मेरी थॉट है कि सबको सीखने मिले। गणेश बड़े बड़े शो में लगने वाली लाइट्स को किराए पर देने का काम करते हैं, साथ ही इनका अपना लाइट्स का सर्विस सेंटर भी है, जहां पर ये रिपेयरिंग का काम करके अच्छी आमदनी कर लेते हैं। आज इनकी सालाना आमदनी 10 लाख से अधिक है। इसकी तरह मेरा 2-3 कंपनी और हो, और आगे फ्यूचर प्लान मेरा बहुत कुछ है, और स्टेप बाय स्टेप मैं करते जा रहा हूँ। खुद का व्हीकल लेना है, खुद का बहुत कुछ लेना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करते जा रहा हूँ। 12वीं के बाद गणेश ने ITI करने के बारे में सोचा। इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स चुना, और 2 साल के कौशल प्रशिक्षण के दौरान इन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की जानकारी दी गई। बचपन से ही मुझे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के रिलेटेड अच्छा लगता था, कि खोलना, बंद करना, रिपेयर करना, ये सब चीज़ बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं 12th के बाद, कॉलेज के बाद ITI करना सोचा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल पर ITI की स्किल ट्रेनिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है। इसका असर गणेश जैसे हजारों छात्रों के जीवन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं ITI में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का कोर्स किया था, 2 साल का कोर्स था, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत सीखने मिली, कल्चर एक्टिविटीज़ थे, स्पोर्ट थे, बहुत कुछ था। कॉलेज के दौरान हम लोग को फील्ड पे भेजा जाता था। ITI से ट्रेनिंग के साथ ही गणेश को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम के तहत ऑन फ्लोर काम सीखने का मौका भी मिला। ऑन फ्लोर कंपनी में काम सीखने से गणेश की स्किल में और निखार आया, वर्किंग कल्चर में सुधार हुआ, सॉफ्ट स्किल और कस्टमर हैंडल करने का भी हुनर मिला। गोदरेज कंपनी में मैंने फील्ड में काम वर्क किया था, उसमें ITI का माहौल बहुत
को, और सीखने में बहुत कुछ मिला, लाइक कंपोनेंट्स क्या है, रिपेयरिंग कैसे होता है, रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, ये सब चीज़ें बहुत सीखने डीपली सीखने में मिले। आईटीआई पास करने के बाद इन्होंने 2 साल अलग अलग कंपनियों में नौकरी करके अपने हुनर में और शार्पनेस पैदा की, लेकिन स्किल इंडिया मिशन के तहत मिले स्वरोजगार के विजन ने इन्हें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रेरित किया और एक छोटी सी जगह किराए पर लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप खोली, जहां पर इन्हें ज्यादातर शोज, पार्टी और फंक्शंस में लगने वाली लाइट्स का काम ज्यादा मिलता था। मार्केट की समझ और बिजनेस स्किल को बढ़ाते हुए रेंटल लाइट्स बिजनेस की शुरुआत की। मैंने छोटा छोटा रिपेयरिंग चालू किया, घर में ही करता था। फिर सोचा कि छोटा एक दुकान डाले, तो छोटा मैंने दुकान डाला, उसमें फिर साउंड, लाइट और बहुत सारा चीज़ें, होम थिएटर अलावा सब कुछ चीज़ें रिपेयरिंग करने के लिए लिया। फिर वो सोचा कि ये छोटे स्केल में अपन तो कर रहे हैं, तो थोड़ा कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो फैमिली कंडीशन भी नहीं था मेरा अच्छा, तो भी मैंने अपने दम पे पूरा बड़ा किया। फिर बाद में थोड़ा लाइट्स लिया, लाइट, 2 लाइट था मेरे पास, 2 लाइट से मेरा 3 लाइट हो गया, 4 लाइट हो गया। फिर अभी बहुत यूज सामान मेरे पास है, लाइट 24, मतलब बड़ा बड़ा इवेंट करते हैं हम लोग। आईटीआई से मिली इलेक्ट्रॉनिक्स की स्किल ने बिजनेस को बढ़ाने में इनकी बहुत मदद की। ऑन साइट लाइट्स में होने वाली टेक्निकल प्रॉब्लम्स को गणेश फौरन ठीक कर देते हैं, जिससे इनके क्लाइंट्स को भी अच्छा लगता है और नए बिजनेस मिलने की भी आसानी होती है। स्किल होना के बिकॉज जरूरी है, क्योंकि कहाँ पे आप जॉब मांगने जाते हैं, कहाँ पे तो पूछते हैं उधर भी कि बाबा क्या तुमने किया है, क्या नहीं है, वो टैग रहता है वो चाहिए, आईटीआई का टैग है मेरे पास, वैसा आपके पास भी रहना चाहिए कि आईटीआई का टैग है। ऐसा नहीं कि जॉब ही कर सकते, खुद का भी कुछ कर सकते, जैसे कि आज मैंने इतना बड़ा सेटअप खड़ा किया है मेरे स्किल की वजह से। मैंने भी जॉब किया था, मेरे को लगा खुद का कुछ करे, तो मैं आज ये सेटअप किया है, खुद का रिपेयरिंग सर्विस सेंटर है, खुद का लाइट का बिजनेस है, बहुत कुछ मेरे पास है अभी। आईटीआई से मिले कौशल प्रशिक्षण के कारण आज ये बहुत खुश हैं। आज इनके पास बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, जिनकी डिमांड मुंबई में होने वाले बड़े बड़े कार्यक्रमों में बनी रहती है। आज ये खुद तो अच्छी कमाई कर ही रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी रोजगार का अवसर दे रहे हैं। हुनर और सफलता की कहानियां आगे भी, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मोनिका चांदना की तरह आप भी शुरू कर सकते हैं सेकंड इनिंग करियर। निस्बट करता है मदद, स्किल इंडिया के तहत ले सकते हैं ट्रेनिंग। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे, उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना, स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@ssc.amh.com या देखें वेबसाइट www.ssc.amh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। I support Skill India। आप भी जुड़े Skill India के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीप राज राणा के साथ DD नेशनल पर। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए चल रहे स्किल इंडिया मिशन का फर्क तो दिख रहा है। कितनी खूबसूरत है हमारी ये रंगीन दुनिया, उतनी ही विलक्षण है रंगों की भी दुनिया। वैसे तो रंग बिरंगी चीजों को देखना हम सभी को पसंद है,
लेकिन एक कलाकार के लिए रंगों का अपना अलग ही महत्व होता है। कलाकार रंगों को कैनवस पर इस तरह से उतारता है कि वो कहानी का रूप ले लेता है। कलाकार की हर पेंटिंग में एक कहानी छिपी होती है, जिसे एक कलाकार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कहानी को कला के जरिए कहने का हुनर रखने वाली एक ऐसी ही कलाकार हैं, मुंबई के रहने वाली मोनिका चांदना। मोनिका को पेंटिंग्स बनाने का शौक बचपन से ही था, लेकिन करियर की भागदौड़ में इनकी कला को इन्हें पीछे छोड़ना पड़ा। इसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग में करियर बनाया, लेकिन इनके अंदर छुपी कला को छुपा कर रखना शायद इनके भी बस की बात ना थी। इसलिए करियर में एक मुकाम बनाने के बाद इन्होंने अपनी कला पर फिर से काम करना शुरू किया। जो विचार इनके अंदर छुपे थे, वो उंगलियों और ब्रश के जरिए कैनवास पर उतरने लगे। जो हुनर करियर की भागदौड़ में कहीं छुप सा गया था, वो धीरे धीरे निखर कर लोगों के सामने आने लगा। ये इनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि आज इनकी पेंटिंग्स की डिमांड लोगों के बीच काफी बढ़ गई है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, जो मैंने खुद ही से सीखा है, एक्सपेरिमेंट कर करके। एंड पिछले 4-5 साल से मैं आर्ट कर रही हूँ, और वैसे पेशे से मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ। इंटीरियर करती हूँ तो मुझे आर्ट अरेंज करना होता है, किस वॉल के हिसाब से, किस घर के हिसाब से, क्या। तो वहीं से मुझे शुरू हुआ कि वाई नॉट बैक खुद ट्राई करूँ और मैं भी आर्ट शुरू करूँ। तो मैंने बनाना शुरू किया और बस वो जर्नी शुरू हो गई एज एन आर्टिस्ट, तो तब से मैं बना रही हूँ। भारत सरकार कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करती रहती है, ताकि ये कलाकार अपनी कला को लोगों तक पहुंचा सकें। इन आयोजनों के जरिए कलाकारों को अपने जैसे दूसरे कलाकारों से भी जुड़ने का मौका मिलता है, जिससे इन्हें अपनी कला को निखारने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही इनके लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होते हैं। गांव और ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे टैलेंट बहुत है, भरा हुआ है टैलेंट। इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं वहाँ पे कि मतलब हम देखें तो हम भी देखते रह जाए, ऐसे आर्टिस्ट हैं। उन सबको आजकल बहुत अवसर हैं, मौके हैं कि वो अपना आर्ट दिखा सकते हैं, बेच सकते हैं। बहुत से ऐसे गैलरीज हैं, बहुत से ऐसे संस्थाएँ हैं जो ट्राइब से और विलेजेस से पकड़ती हैं, फोक आर्टिस्ट पकड़ते हैं और उनका काम दिखाते हैं और उनको एक नाम देते हैं और शोहरत और पैसा देते हैं। तो बहुत इट्स नॉट डिफिकल्ट, मतलब कर सकते हैं वो। सरकार का प्रयास है कि हमारे कलाकार अपनी आमदनी को और बढ़ाएं। इस तरह के बिजनेस स्किल को सिखाने के लिए राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान यानी निस्पट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है। ऑलमोस्ट 6 साल पहले शुरुआत की, और पहले मैंने छोटे छोटे मार्केट्स में ट्राई किया, फ्ली मार्केट्स में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मैंने कुछ एग्जीबिशंस किए और ऑनलाइन एक्सपोजर मिला, इस तरह से मैंने अपनी शुरुआत की। मोनिका चांदना की कोशिश है कि वो इस फील्ड में करियर बनाने वाले युवाओं को गाइड करें, ताकि जिन अवसरों की जानकारी उन्हें नहीं थी वो युवाओं तक पहुंच सके, जिससे उनके करियर में कोई भी बाधा ना आए। घर परिवार और करियर की चुनौतियों का सामना करते हुए मोनिका चांदना ने अपने हुनर को जीवित रखा और आज उसे एक मुकाम तक ले जाने का प्रयास कर रही है। वो वाकई में उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो अपने अंदर छुपी कला को निखारने की कोशिश में लगी हुई हैं। ये बात इनकी पेंटिंग्स के जरिए भी पता चलती है, जिसमें ये प्रकृति और नारी सशक्तिकरण को खास तौर पर दिखाती हैं। विमेन फेसेस बनाती हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं, एंड दे स्पीक, वो आपसे बात करती हैं आंखों से। तो बेसिकली वो आपसे कन्वर्स करती हैं, बातें करती हैं अपनी आंखों से और अलग अलग भाव प्रस्तुत करती है। हुनर न सिर्फ इंसान को उनके मुकाम तक पहुंचाता है, बल्कि समाज में उसे एक अलग स्थान भी दिलाता है। इसी का सटीक उदाहरण है मोनिका चांदना। रंगों से सजी इनकी दुनिया में आज किसी भी रंग की कमी नहीं है। रंग जब मिलते हैं तो रंगों की एक ऐसी श्रृंखला बनती है जो इतनी खूबसूरत होती है कि हर किसी का मन मोह ले। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। महान बॉक्सर मोहम्मद अली को प्रशिक्षण करना पसंद नहीं था, लेकिन वो खुद कहते थे
कि आज मेहनत कर लो, थोड़ी ट्रेनिंग ले लो, फिर जिंदगी भर चैंपियन की तरह रहना। और उनके इसी प्रशिक्षण का नतीजा है कि वो आज इतने महान बॉक्सर बने और आज भी पूरी दुनिया उनके हुनर का लोहा मानती है। और हमारे देश के युवाओं को भी ये बात सीखनी चाहिए कि जो भी काम करो पूरी लगन से करो, पूरी इच्छा से करो, फिर देखना सफलता कैसे तुम्हारे कदम चूमती है। सफलता और विकास की ऐसी कहानियां दिखाने का प्रयास करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पे। लेकिन तब तक मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।